मुजरिम बहुत क्रिएटिव होते हैं इंस्पेक्टर साहब, अब देखो ना जुर्म करने से पहले वो कितनी प्लानिंग करते हैं, एक बढ़िया प्लॉट तैयार करते हैं, उसके बाद वो अपने जुर्म को अंजाम देते हैं। और फिर पकड़े जाने से खुद को बचाए रखना भी आसान नहीं होता, डिटेक्टिव विनोद बोला। पुलिस जीप में उसके बगल में बैठा इंस्पेक्टर विजय बोला, हाँ सही कहा डिटेक्टिव साहब, और ठीक ही तो है, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है, और मुश्किलें कठिन हो तो केस सॉल्व करने में मज़ा भी तो आता है। जीप में कई और पुलिस वाले भी थे, वो एक कत्ल की तहकीकात के लिए निकले थे। शहर के आवास विकास कॉलोनी में एक 16-17 साल की लड़की का कत्ल हुआ था। थोड़ी ही देर में वो लोग एक घर के बाहर जाकर खड़े हो गए, आसपास कुछ पड़ोसी भी खड़े थे। पुलिस वालों को देखकर वो साइड हो गए। पुलिस वालों ने सबसे पहले क्राइम सीन को पीली पट्टियों से घेराबंदी करके सुरक्षित कर लिया। डिटेक्टिव विनोद और इंस्पेक्टर विजय ने अंदर जाकर देखा, घर के अंदर मेन डोर से थोड़ा दूर एक 16 साल की लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की का नाम दिशा वर्मा था। उसकी माँ सीमा पास ही सोफे में बेसुध बैठी हुई थी, जिसे पड़ोस की एक महिला ने संभाला हुआ था, और पिता अपनी बेटी की लाश को देखकर जोर जोर से रो रहे थे। विनोद ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखा। इंस्पेक्टर विजय सबूत बटोरने में व्यस्त था। डिटेक्टिव विनोद उस लड़की के पिता के पास गया और बोला, माफ़ कीजिएगा वर्मा साहब, पर यह मेरा काम है, मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। मिस्टर वर्मा रोते हुए बोले, जी जी मैं समझ सकता हूँ, आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए, लेकिन उस खूनी का पता लगाइए जिसने मेरी मासूम बेटी को जान से मार दिया। डिटेक्टिव विनोद बोला, वर्मा साहब खुद को संभालिए और बताइए कि क्या हुआ था। मिस्टर वर्मा ने बताया, कल रात हमारी बेटी अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए बाहर गई थी। मैंने खुद रात 8 बजे उसे उसकी फ्रेंड मनीषा के घर पे ड्रॉप किया था। हमने सोने से पहले रात 10:30 बजे उसे कॉल किया, हमारी बात हुई, लेकिन उसकी बात से नहीं लग रहा था कि कोई खतरा है, फिर हम सो गए। सुबह मेरी पत्नी की चीख सुनकर मेरी नींद खुली, मैं दौड़ के ड्राइंग रूम में गया और मैंने देखा कि मेरी बेटी खून से लथपथ ज़मीन में पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन में गहरा कट था और पास ही एक चाकू गिरा पड़ा था। विनोद बोला, क्या आपने किसी चीज़ को छुआ? मिस्टर वर्मा बोले, नहीं, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया, हमारी चीख सुनकर पड़ोसी आए और उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। विनोद ने पूछा, क्या आपके और भी बच्चे हैं? मिस्टर वर्मा बोले, नहीं, दिशा ही हमारी इकलौती संतान थी। विनोद ने फिर पूछा, आपकी बेटी घर के अंदर कैसे घुसी? मेरा मतलब है कि आप लोग तो सो चुके थे, फिर जब दिशा वापस आई तो दरवाज़ा किसने खोला? मिस्टर वर्मा बोले, दिशा के पास घर की एक्स्ट्रा कीज़ रहती थी, उन्हीं की मदद से उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आई होगी। विनोद ने फिर पूछा, जब आपने चीख सुनी और आप दौड़ते हुए यहाँ आए, तब मेन डोर खुला था या बंद था? मिस्टर वर्मा बोले, दरवाज़ा अंदर से बंद था और ना ही कोई खिड़की खुली थी, जब पड़ोसी आए तभी मैंने दरवाज़ा अपने हाथों से खोला। फिर डिटेक्टिव विनोद ने वही एक सवाल पूछा जो अक्सर वो हर किसी से पूछा करता है, वर्मा साहब क्या आपको किसी पे शक है? मिस्टर वर्मा बोले, नहीं सर, दिशा ने हमें कभी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे ये पता चलता कि वो परेशान है। डिटेक्टिव विनोद बोला, यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की, वो अपने पेरेंट्स को कुछ बताते ही नहीं। क्या आप उसकी फ्रेंड मनीषा का एड्रेस दे सकते हैं? मिस्टर वर्मा बोले, जी सर, मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। तब तक इंस्पेक्टर विजय ने ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स और बाकी के सबूत इकट्ठा कर लिए थे। जब वो लोग मनीषा के घर के लिए वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी डिटेक्टिव विनोद ने कुछ देखा, सोफे के नीचे कुछ था। विनोद ने झुककर देखा तो वो एक कान की बाली थी। विनोद ने उसे एक छोटे से एविडेंस पाउच में रखा और मिस्टर वर्मा को दिखाते हुए पूछा, ये कान की बाली दिशा की है या आपकी धर्मपत्नी की? मिस्टर वर्मा बोले, दोनों में से किसी की नहीं है सर। विनोद बोला, तो चलिए मनीषा के घर चलते हैं। मनीषा के घर पहुंचकर डिटेक्टिव विनोद ने मनीषा से कहा, देखो मनीषा, जो कुछ भी हम आपसे पूछें उसका सही सही जवाब देना, बताओ कल क्या हुआ था? पर सर, मनीषा मिस्टर वर्मा की ओर सवाल भरी नज़र से देखते हुए बोली, अंकल कौन है ये लोग, आखिर बात क्या है? विनोद अपनी आईडी दिखाते हुए बोला, मेरा नाम विनोद है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ, आपकी सहेली दिशा का किसी ने खून कर दिया है। मनीषा के पैरों तले जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मनीषा रोते हुए बोली, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो हम लोग मिले थे।
डिटेक्टिव विनोद अपनी जेब से कान की बाली निकाल के मनीषा को दिखाता है और पूछता है, मनीषा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कान की बाली किसकी है। मनीषा बोली, सर मुझे नहीं पता ये किसकी है। विनोद फिर बोला, अच्छा तो ये बताओ कि कल रात आखिर हुआ क्या था, क्या दिशा का किसी से झगड़ा हुआ था या कोई कहा सुनी। मनीषा बोली, नहीं सर कोई झगड़ा नहीं हुआ। कल रात जब दिशा के पापा ने दिशा को यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ पार्टी चल रही थी, दिशा का बॉयफ्रेंड सैम भी यहाँ था और वो दोनों आपस में हैंग आउट कर रहे थे। विनोद बोला, उसके बाद क्या हुआ। तभी मिस्टर वर्मा आश्चर्य से बीच में टोकते हुए बोले, बॉयफ्रेंड, पर उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। विनोद मिस्टर वर्मा को शांत करते हुए बोला, वर्मा साहब अब इसका कोई फायदा नहीं। फिर विनोद ने मनीषा से पूछा, उसके बाद क्या हुआ मनीषा। मनीषा ने बताया, सर कुछ देर बाद दोनों टेरेस में चले गए, तब रात के करीब 10 बज रहे थे, उसके बाद मैंने उन दोनों को नहीं देखा सर। विनोद बोला, ओके। मनीषा क्या तुम मुझे सैम का एड्रेस दे सकती हो। मनीषा बोली, यस सर, इट्स साई अपार्टमेंट अशोक नगर। इंस्पेक्टर विजय मनीषा के घर से सीधा लैब चला गया, उसे सैंपल्स की जांच करवानी थी। डिटेक्टिव विनोद ने मिस्टर वर्मा को अपने घर जाने को कहा, क्योंकि घर पे उनकी धर्मपत्नी अकेली थी और विनोद अकेला ही सैम के घर गया। सैम के घर पे विनोद ने सैम से कहा, हेलो सैम, मेरा नाम विनोद है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। सैम बोला, ओके, पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। विनोद बोला, कल रात तुम कहाँ थे सैम। सैम बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था। क्यों, क्या हुआ। विनोद सैम की आंखों में झांकते हुए बोला, दिशा का खून हो चुका है, आज सुबह वो अपने घर पे मरी हुई मिली। सैम का भी वही रिएक्शन था जो मनीषा का था, वो भी रोते हुए बोला, पर सर कल रात ही तो हम दोनों मिले थे, ऐसा कैसे हो सकता है। विनोद बोला, कल रात जब तुम दोनों टेरेस में गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था सैम। सैम बोला, कुछ नहीं सर, मैंने उसे कानों की बालियां गिफ्ट की थी। डिटेक्टिव विनोद सैम को बीच में टोकते हुए और जेब से बाली निकालते हुए उससे बोला, बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या ये वही बाली है जो तुमने दिशा को दी थी। सैम रोते हुए बोला, जी सर यही थी। विनोद बोला, ठीक है, अब ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ। सैम बोला, कुछ नहीं सर, उसके बाद उसे कुछ अजीब लग रहा था तो मैंने उसे उसके घर पे ड्रॉप कर दिया। विनोद बोला, उस वक्त टाइम क्या हुआ था। सैम बोला, सर उस वक्त रात का 1 बज रहा था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस वक्त मैंने अपनी मॉम को कॉल करके बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ। सैम से सवाल करते हुए विनोद की नज़रें सैम के कमरे में चारों तरफ घूम रही थी। विनोद बोला, ओके सैम, थैंक यू वेरी मच। विनोद घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि सैम ने उसे आवाज़ दी, अब सर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। विनोद बोला, बताओ। सर एक प्रॉब्लम थी जो दिशा को बहुत परेशान कर रही थी, दिशा और उसके पेरेंट्स के बीच में कुछ अनबन चल रही थी सर, शायद उसके एग्जाम्स की वजह से या फिर वो आगे क्या सब्जेक्ट्स लेने वाली थी, इस वजह से उसके पेरेंट्स उसे साइंस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे सर, जबकि दिशा आर्ट्स पढ़ना चाहती थी। कुछ पल खामोश रहकर डिटेक्टिव विनोद ने सैम से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू सैम। उसके बाद वहां से निकलकर डिटेक्टिव विनोद ने दिशा के पड़ोसी और उसके दोस्त से पूछताछ की। पूछताछ में उसे पड़ोसियों से पता चला कि दिशा के घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आया करती थी और दोस्तों ने बताया कि दिशा अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ झगड़े की बात बताया करती थी। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर विजय लैब से सारे रिपोर्ट्स लेकर आया। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स में पता चला कि जिस चाकू से दिशा का गला रेता गया था उस चाकू में दिशा, उसकी माँ और उसके पिता के फिंगरप्रिंट्स थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मर्डर वाली रात को दिशा ने बहुत शराब पी हुई थी और खून 1:30 से 2 बजे के बीच हुआ था। दिशा के गले के अलावा कहीं और कोई चोट या खरोच नहीं थी, ना ही कोई हाथापाई के निशान, और क्योंकि दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे तो घर में जबरदस्ती घुसने के कोई सुराग नहीं मिले। इंस्पेक्टर विजय बोला, सारे सबूत दिशा के पेरेंट्स के खिलाफ हैं डिटेक्टिव साहब। डिटेक्टिव विनोद बोला, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही दिशा का कत्ल किया है। खैर तुम अपनी इंटेरोगेशन जारी रखो, मैं एक बार फिर से दिशा के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। मैं एक बार तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि क्या खूनी घर वाले हैं या कोई बाहर वाला जो कत्ल करने के बाद घर के अंदर ही मौजूद था। विनोद दिशा के घर जाकर अच्छे से छानबीन करके इंस्पेक्टर को कॉल करके बोलता है कि सभी सस्पेक्ट्स को तुरंत दिशा के घर पे लेकर आए। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर विजय दिशा के बॉयफ्रेंड सैम, उसकी सहेली मनीषा को लेकर दिशा के घर पहुंचता है। सैम गुस्से में डिटेक्टिव विनोद से बोलता है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मनीषा भी बोलती है, हाँ सर बताइए हम यहाँ क्या कर रहे हैं।
विनोद बोलता है, मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि उस रात आखिर हुआ क्या था। सैम बोलता है, कितने बार आप एक ही सवाल पूछेंगे और हम एक ही जवाब देंगे सर। विनोद बोलता है, नहीं सैम, इस बार मुझे सच जानना है। सैम बोलता है, सच? कैसा सच? जो हमें पता था हमने बता दिया। विनोद बोलता है, अच्छा तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि उस रात आखिर हुआ क्या था। सैम तुमने सच कहा था कि तुमने दिशा को उसके घर पे 1 बजे ड्रॉप किया था और फिर तुमने अपनी मॉम को कॉल करके बताया कि तुम घर आ रहे हो, मगर 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 तुम घर नहीं गए बल्कि तुमने दिशा का पीछा किया। सैम बीच में टोकते हुए बोला, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? डिटेक्टिव विनोद बोला, बीच में मत बोलो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुमने दिशा का पीछा किया और उसके घर के अंदर घुसे। दिशा ने तुम्हें देख लिया था मगर वो चीखी नहीं क्योंकि वो बहुत नशे में थी। फिर तुम किचन में गए और अपने रुमाल से पकड़कर चाकू लेकर आए, तब तुमने दिशा को पीछे से पकड़ा और उसका गला काट दिया और फिर उसे जमीन में पटक कर तुम भाग खड़े हुए। सैम के पसीने छूट रहे थे। वो बोला, पर दरवाजे खिड़कियां तो अंदर से लॉक्ड थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ आया और चला गया? विनोद हंसते हुए बोला, ये तुम्हें कैसे पता कि दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे? ये तो सिर्फ हम जानते हैं। मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में थी कि खून करके तुम बच जाओ और सारा इल्ज़ाम दिशा के मॉम डैड के ऊपर आ जाए, क्योंकि तुम्हें लगता था कि दिशा के अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ही झगड़ा हुआ करता था। इंस्पेक्टर विजय बोला, डिटेक्टिव साहब आप कहना क्या चाहते हैं? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे, लाश भी अंदर ही पड़ी थी और अंदर सिर्फ दिशा के मॉम डैड थे, फिर सैम कैसे कत्ल करके भाग सकता है? सभी की आंखें डिटेक्टिव विनोद से यही सवाल कर रही थी। डिटेक्टिव विनोद बोला, आज जब मैंने इस घर की दोबारा तलाशी ली तो मैंने इसके बेसमेंट में जाकर भी अच्छे से चेक किया। हाँ, वहाँ से निकल भागने का कोई दरवाजा तो नहीं है, मगर वहाँ एक फायरप्लेस है जिसकी चिमनी में से सरक कर बाहर निकला जा सकता है। आप और हमारे लिए तो मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना, मगर सैम जैसे स्लिम बंदे के लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं। अब सबकी नज़र सैम की तरफ थी। सैम बोला, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने दिशा को नहीं मारा, क्या सबूत है आपके पास? विनोद बोला, सबूत है तुम्हारे वो जूते जो कल रात तुमने पहने थे और जल्दबाजी में तुम वही जूते पहनकर यहाँ आ गए। तुम्हारे जूतों में अभी भी चिमनी की कालिख लगी हुई है, और अगर इससे बड़ा सबूत चाहिए तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा चांदी का वो ब्रेसलेट कहाँ है जो तुमने कल रात पार्टी के वक्त पहना था। सैम बोला, वो तो खो गया है। डिटेक्टिव विनोद बोला, खोया नहीं बल्कि छूट गया। कल रात चिमनी से ऊपर चढ़ते वक्त तुम्हारा ब्रेसलेट तुम्हारी कलाई से टूटकर फायरप्लेस में गिर गया था और वो अभी मेरे पास है। डिटेक्टिव विनोद ने जेब से सैम का ब्रेसलेट निकालते हुए इंस्पेक्टर विजय को सौंपा और बोला, सैम सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, क्या लगता है तुम्हें खून करके बच जाओगे? सैम अब हार मान चुका था। वो रोने लगा और बोला, हाँ मैंने ही मारा है दिशा को, क्योंकि मैं प्यार करता था उससे, पर वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। वो रोज़ मुझसे लड़ा करती थी और अपने नए बॉयफ्रेंड मयंक से बात किया करती थी। मैं ये सब नहीं देख पाया और मैंने दिशा को मार डालने की साजिश रची। मुझे लगा सारा इल्ज़ाम दिशा के पेरेंट्स पे आ जाएगा और मैं बच जाऊंगा। सैम की बात सुन के दिशा के मॉम डैड फूट फूट कर रोने लगे। मनीषा भी सदमे में थी कि उसने अपने सबसे अच्छे 2 दोस्तों को खो दिया। सैम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इंस्पेक्टर विजय ने डिटेक्टिव विनोद से पूछा, यार तुमने ये किया कैसे? विनोद बोला, मैं जानता था तुम ये सवाल ज़रूर पूछोगे। दरअसल मैंने दिशा की फेसबुक आईडी चेक की। पिछली रात पार्टी के कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करके दिशा को टैग किया गया था। मैंने सभी फ़ोटोज़ को गौर से देखा। उन फ़ोटोज़ में दिशा तो खुश लग रही थी, मगर सैम खुश नहीं था। सैम से पूछताछ करने जब मैं उसके घर गया तो उसके बेड के पास रखे उसके शूज़ पे मेरी नज़र गई। उनमें कालिख लगी हुई थी। तब मुझे लगा कि दिशा के घर की एक बार फिर से तलाशी लेनी चाहिए। तलाशी ली तो पता चला कि बेसमेंट में से एक चिमनी बाहर निकलती है। बस कत्ल करके सैम उसी चिमनी से बाहर निकल भागा था। इंस्पेक्टर विजय विनोद की तारीफ करते नहीं थक रहा था। वो बोला, मान गए डिटेक्टिव साहब आपके दिमाग को, आप हर बार मुझे आश्चर्य में डाल देते हैं। आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगले केस में फिर से मुलाकात होगी, चलिए फिर मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुने। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।